अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ आलू चिकन पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो आटा तीन कप, उसमें मैदा 2 कप डालेंगे, दही 2 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून और कलौंजी 1/2 टीस्पून डालकर हम इसको गूंद लेंगे। उसके बाद हमें तकरीबन 1/2 किलो आलू चाहिए जिनको हमने बॉईल करके मैश कर लिए है, और तकरीबन 1 से 1.5 कप हमें चिकन चाहिए जिसको बॉईल कर लिया हमने और थोड़ा श्रेड कर लिए। इसके बाद हमें 2 टेबलस्पून पुदीना चाहिए, 2 टेबलस्पून धनिया चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्चें चाहिए। उसके बाद हम 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर हम सूखा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के हम अनारदाना इसमें डालेंगे, ज़ीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च चाहिए हमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून चाट मसाला चाहिए, और तकरीबन 1.5 टीस्पून हमें सूखी मेथी चाहिए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम आलू में डाल के चिकन समेत अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम आलू में सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू में सब चीज़ें मिक्स कर लिए, अब हम इसके पराठे बनाएंगे। व्यूअर्स, इस साइज के पेड़े बनाने, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने। जी व्यूअर्स, हमने पेस्ट को ऊपर रोटी के लगा दिए, अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसको पराठे को अच्छी तरह चारों तरफ से सील कर लेंगे ताकि मसाला बाहर ना आए, और हमेशा मसाले को कॉर्नर्स तक फैलाएं ताकि साइड से पराठा फीका ना बने, टेस्ट एंड तक रहे। अब पराठे को हल्के हाथ से बेलें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना वरना मसाला सारा बाहर आ जाता है। हल्के हाथ से बेल के तो फिर इसको हम तवे पे डालेंगे। अब हम इसको तवे पे डाल लेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब इसके ऊपर ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से पका लें। जी व्यूअर्स, हमारा आलू चिकन पराठा तैयार है। आपने इसको हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।